ब्राइट कर दे, अरे अगर कोई आपको ब्राइट कर दिया तो सब जगह वो होता करे है। बोला किस पर नहीं पहचान ओए रहा मैं वैसे। आ जा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, सो सही है ग्लैड यू केम, कैसे आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ना बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार को हाँ दर्शन दर्शन करा लीजिए। थोड़ा सा और फ्रेम में आइएगा। इधर देखिएगा नंदा जी। आइए रवि भाई। अरे नहीं नहीं आप, अरे आप, अरे इधर इधर अच्छा। अरे आराम से आराम से ऊपर ऐसा कर दीजिए ना। भूमि लिव एंड एंटरटेनमेंट एक नंबर। हाँ, तो हम पहले फोटो कर लो उसी। आप और जी मम्मी हाँ। या तो भी दो लेडीज को थोड़ा सा वो मिलना हाँ, चाहिए। आंटी आप आइए। रोहिता दीदी आइए। सारों को हाँ। मोनू सुन हाँ आप ही आओ। सोनम क्या नाम है उनका? सोनम हाँ। आप सब लोग मिलके चलो हाँ। चलो 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 हाँ हाँ अच्छे से हो गया हमारा उम्मीद का इनॉग्रेशन एक नंबर हो गया। हाँ। हाँ, एक करो उसमें नहीं है भाई को देना दूसरा दूसरा दो तीन है ना वो सबसे पहले तो मुबारकबाद है हमका उम्मीद फिल्म से एंटरटेनमेंट की शुरुआत कर रहे हैं आज तो कितनी खुशी मिल रही है और इतने गणमान्य लोग आए हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। योगेश भाई हैं, भाव हैं और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली भाव का, योगेश जी का, कि वो लोग वक्त निकाल के मेरे लिए यहाँ पे आए हैं।
और जहाँ बात रही उम्मीद की, एक्चुअली उम्मीद मैंने एक साल पहले एक सपना देखा था कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस, एक कंपनी स्टार्ट करनी है। और जब मैं ये सोच रही थी उसी वक्त सुशांत सिंह का डेथ वाला केस निकला, तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए नाम सोच रही थी कि अगर कंपनी खोलूँगी तो क्या नाम ऐसा हो कि जो बहुत नॉर्मल लगे हर इंसान के लिए, वो एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए। उसी वक्त मेरे दिमाग में उम्मीद आया, तो मुझे लगा कि उम्मीद से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसी तरीके से प्लानिंग हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना जब आप ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हो तो चीज़ें डिले होती रहती है। तो अचानक से एक, आप बोल सकते हो, एक मौका आया कि चलो यार अभी ईद का भी टाइम था कि कुछ जल्दी जल्दी अब हमें करना है, तो बस प्लानिंग हुई और छोटा मोटा जो भी आपने देखा एक सेटअप हम लोग ने बना लिया और बस उम्मीद की किरण को शुरुआत कर दी हमने। तो दर्शकों को बताइए, जैसे आपने कहा कि सुशांत का जब ये घटना हुआ था, उसके हाँ। बाद आपने शुरुआत करने की सोची, हाँ। क्या वजह रही? नहीं, ऐसी नहीं है, मुझे प्रोडक्शन हाउस शुरू करना पहले से था, बट मैं सोची थी कि ऐसा क्या नाम रखूँ जो हर एक इंसान उस चीज़ से रिलेट कर पाए, भले वो आम आदमी हो, कोई भी हो। और मैं चाहती हूँ कि उम्मीद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें ना कोई नेपोटिज्म हो, ना कोई स्टारकिड वाली चीज़ हो, कोई भी लॉबी वाली चीज़ ना हो। उम्मीद हर एक इंसान के लिए एक बराबर का प्लेटफॉर्म हो, मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ। बहुत सुनना चाहूँगा कि आपको तो बताइए, आप खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्सा हो, तो एक औरत शुरुआत करती है, प्रोडक्शन हाउस का प्रोड्यूसर बना आसान नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे नगमा जी के बारे में आप? अभी पहला तो इनको बहुत सारा ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को ना आज मौका मिला है आगे बढ़ने का। और बाकी जितने भी जो पुराने थे, जो वर्कर काम करते थे, उनके पेट पे लात मारा इन्होंने। जैसा चल रहा है ना, मेरे चाचा को लेगा, मेरे भतीजे को लेगा, ये सबको बंद करवाना है। और अब ये जो नए है ना, डायरेक्टर हो गया, वापस ये जितने भी कलाकार है, जो आज ना गली कुची में जाके ढूंढो उनको, अच्छे से अच्छे कलाकार है, तो ये जितने जो पुराने हो गए ना, जिनको आप लोग सुपरस्टार बोलते हैं, इनको भगाने का भी, और ये नए लोगों को चांस देने का है, क्योंकि ना ये फिर से कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं होना चाहिए, समझा? तो मेरा पूरा सपोर्ट है इन लोगों को। भाऊ पहले भी किसके दम पे नहीं था, ना किसके दम पे आज भी है, भाऊ खुद के जिगर पे बना है, समझा? और मैं किसी का वो बोलते ना, वो झेलना अपने को नहीं आता है, जो करूँगा खुद के दम पे करूँगा, और अब तक करते आया हो, समझा? आपने देखा होगा बड़े बड़े ये फिल्म स्टारों की बजा के रखा है मैंने, उनके फिल्म नहीं लगने दे रहा हूँ, इतना करने के बावजूद भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो ये करते रहूँगा और आवाज़ उठाते रहूँगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वक्त नहीं हुआ इंडस्ट्री में, मैं अभी भी अपने आप को न्यू कमर ही मानती हूँ, स्ट्रगलर मानती हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है प्रैक्टिकली, नेपोटिज्म हो, लॉबी सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं, अगर आप टैलेंट की बात करोगे ना, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, एक्सपोजर नहीं, स्कोप नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने वालों को ही खींचता है। तो ये उम्मीद जो है, और अगर आप सब लोग मेरे साथ रहे, आप सबको खुद भी दिखेगा, उम्मीद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, हम मिलके बनाएंगे, जिसमें मैंने बोला ना नेपोटिज्म होगा, ना लॉबी सिस्टम होगा, कुछ नहीं, हर एक आम इंसान को चांस मिलेगा उम्मीद के साथ काम करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और उम्मीद, हम आम आदमियों का उम्मीद है, और उम्मीद का मतलब ही है रे ऑफ होप, आशा की किरण। तो उम्मीद हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक आशा की किरण लेके आए, यही मैं आज के दिन, मतलब बोलते ना, प्रण लेती हूँ, या एक ओट टाइप होएगा, सब अच्छा होएगा। जैसे अभी वो कार्तिक आर्या, हाँ, उसको वो धर्म, कौन सा प्रोडक्शन है वो, धर्मा प्रोडक्शन, हाँ, में उसे एक कर दिया है, बाइकॉट कर दिया उसको। इनके बाप का है क्या इंडस्ट्री, हाँ, इनके बाप का इंडस्ट्री है क्या, वापस उसको क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसा किसी को बनाना चाहते हैं क्या? नहीं होएगा। अभी इनके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बनाएंगे, हाँ, हाँ, अभी नहीं होएगा। अभी इन लोग को, सबको जो नए नए ना, उनको चांस मिलना मांगता है, बहुत जरूरी है। वो हाफ बिरयानी है ना, वो उसका भी पिक्चर नहीं लगने देगा। मैं आपसे चाहूंगा कि आप सब
सपोर्ट करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, तो कितना नगमा जी को सपोर्ट करने वाले आगे तक क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नगमा जी को कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, और ऐसे माहौल में इतनी हिम्मत कर रही है इसलिए हमारा साथ उनके साथ है। और इंडिया में जो 8000 मूवी का काम ब्राइट ने किया है, तो छोटे में छोटे प्रोडक्शन हाउस से लेके बड़े में बड़े वर्ल्ड के नंबर वन प्रोडक्शन हाउस के काम किए हैं, और मेरा छोटे हर लोगों के साथ साथ है। सभी सुपरस्टार की पहली फिल्म मैंने की है और लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत लक्की हूँ, तो नगमा जी के लिए भी लक्की साबित हो और उनका भी प्रोडक्शन हाउस सुपर डुपर हिट हो और उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो, ऐसे में दिल से दुआ करता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ कंटेंट के बारे में बताएं कि कौन सा मीडियम होगा आपका? आजकल ओटीटी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, टेलीविजन तो पहले से बड़ा था, तो कौन सा मीडियम होगा जिस पे आप अपना कंटेंट देंगे और क्या कंटेंट का आधार क्या रहेगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वेब सीरीज करना है ओटीटी के लिए, वो म्यूजिक एल्बम भी हो सकता है, वेब सीरीज भी हो सकता है, शॉर्ट फिल्म्स भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है गुड कॉज के लिए, या फिर अगर इंशाल्लाह सब कुछ सही रहा तो हो सकता है हम पिक्चर भी बनाएं। और जहां बात रही कंटेंट की, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कंटेंट लोगों तक लाए जो चीज़ देख के लोग दो अच्छी बातें सीखे। ऐसे कंटेंट लोगों को नहीं दिखाना है कि पूरी पिक्चर देखने के बाद भी उसका कोई मैसेज ही ना निकले, बस टाइम पास के लिए देख लिया। तो हमें टाइम पास के लिए चीज़ें नहीं करनी है। अगर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं उम्मीद को लेके, तो कुछ अच्छा हो, अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचे, भले वो ह्यूमैनिटी हो, किसी भी अच्छे कॉज को लेके, ताकि हमारी पिक्चर हमारा कंटेंट लोग देख के दो अच्छी बातें अगर सीखे ना, तो हमें लगेगा कि उम्मीद ने कुछ अच्छा कर दिया। ये कहते हैं भाव जैसे लीडर आदमी इंडस्ट्री के, हर लोग में हिम्मत नहीं होती कि किसी के खिलाफ बोल सके, तो इनका जो ये टैलेंट है, इनका ये जो क्वालिटी है, उसका कैसे यूज करेंगे? मैं भाव को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भाव इज अ सेल्फ मेड मैन, ना कोई नेपोटिज्म, ना कोई लॉबी, ना किसी के चाचा का बेटा, मामा का कुछ नहीं है। उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, खुद के दम पे किया। और आज आप खुद देखें ना, कौन भाव को गिरा सकता है? पीठ पीछे तो हज़ारों लोग बोलते हैं, कोई सामने आके इस इंसान को हरा के दिखाए। सो और मैं जैसे कि बीइंग अ फीमेल, तो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री कहा जाता है, मैं निकली हूँ एक रास्ते पे जिसमें मुझे सबका साथ ज़रूर चाहिए, सबका आशीर्वाद ज़रूर चाहिए, भाव हो, योगेश जी हो, सबका। और उम्मीद करती हूँ कि हम जैसे लोग, हम सब मिल के इंडस्ट्री में कुछ अच्छा चेंज ला पाए। और लोग, जो लोगों को लगता है ना कि यार नहीं यार बॉलीवुड हमारे लिए नहीं है, कहाँ इतने बड़े बड़े लोग, नहीं, बॉलीवुड सबके लिए है, टैलेंट सबके लिए है। टैलेंट का ना कोई धर्म है, टैलेंट की ना कोई रेसिज्म है, ना कलर है, कुछ नहीं है। टैलेंट अपने आप में एक इंसानियत है। तो हम टैलेंट, हमारे लिए टैलेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं टैलेंट की पूजा करती हूँ। तो जहाँ टैलेंट है वहाँ उम्मीद इज ऑलवेज ओपन। ये भी कनेक्शन में नेपोटिज्म की बात की, आपको पता है कुछ साल पहले मीटू हुआ था, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है लड़कियों के साथ, उसको लेकर। तो आप एक नारी हैं, स्त्री हैं, कितना सुरक्षित रहेंगी? कोई आर्टिस्ट, खासकर फीमेल आर्टिस्ट की बात करूँ, आएंगी और उनको काम मिले? नहीं, मैं आपको बताऊँ, अगर आपको, मैं बॉलीवुड के बारे में नहीं बोलूँगी, किसी भी इंडस्ट्री में फीमेल के लिए दिक्कतें आती है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो दौर गया जहाँ पे औरतें डर के रहती थी, आवाज उठाने के लिए डरती थी। एकता कबूतर नहीं है जो इससे फीमेल लोग डरेगा, समझा? तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा ना, जब आपके आसपास अच्छे लोग रहते हैं ना, जैसे आज भाव है, योगेश जी है, सब परिवार फ्रेंड्स लोग हैं, तो फिर आपको ऑलरेडी एक मोटिवेशन मिल ही जाता है। और इनकी स्टोरी खुद हमारे लिए एक मोटिवेशन स्टोरी है, सो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एकता कबूतर बोला मैं, कबूतर बोल उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एकता कपूर काफी कबूतर, मैं फिर कंट्रोवर्सी करेंगे तुम लोग, मैं एकता कबूतर बोला है मैं, हाँ उसकी भी बजाएगा। तो एक औरत किसको आप इंस्पिरेशन मांगते हैं प्रोड्यूसर? कुछ नहीं, वो सिर्फ उससे लड़कियां डरती है, मालूम है तुम्हारे को, एकता कबूतर से। वो पैसा देती नहीं, इतने बेचारे प्रोडक्शन में है, उनको पैसा नहीं दिया उसने, समझा? तो ऐसे कबूतर बिबूतर अपने को बगले बिगले नहीं चाहिए इधर। और बिग बॉस के बाद आपने दो गाने भी किए थे, कुछ अभी कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं ना? अभी दो वेब सीरीज करके आया मैं, समझा? अभी और दो वेब सीरीज कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम साथ में भी बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अभी उम्मीद से हम आगे बढ़ेंगे, एक नई उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बिल्कुल, इसी बात पे ताली हो जाए, टेंशन नहीं लेने का। अल्ताफ जी कैसे जुड़े हैं? मुझे एक्चुअली नगमा का फ़ोन आया था, बोला कि मैं ऐसे एक प्लान कर रही हूँ कि एक प्रोडक्शन हाउस खोलना है, तो और इसका मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि न्यू टैलेंट को चांस देना है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई प्रोडक्शन हाउस ये मकसद लेके चलता है कि न्यू टैलेंट को चांस मिले, और जितने लोगों को
नए नए टैलेंटेड लोगों को चांस मिले, तो मैंने बोला मैं तो बहुत साथ दूंगा इस मामले में। तो इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट भी हमारा हुआ है, शूट हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो एल्बम है जो बहुत जल्दी आने वाला है। कितना मज़ा सॉन्ग का नाम है, वो मैंने गाया है, म्यूज़िक दिया है और इसमें नगमा फीचरिंग है और भी राहुल भाई है और साउथ के एक्टर है बहुत अच्छे, धर्मा। तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है और बहुत सारे प्लान्स पाइपलाइन में है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं टोटली नगमा के साथ हूँ, जब भी ये चाहे नगमा को जब भी ज़रूरत पड़े मेरे कि चलो साथ में काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली साथ में, और मुझे बहुत खुशी है कि नए नए लोग साथ में जुड़ेंगे और अच्छे टैलेंट साथ में जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात। वैसे एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अल्ताफ जी का एक गाना है आई गेस आप सबने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट है, तो अगर आप एक लाइन हम सबके लिए वो गाना गुनगुना देंगे तो थोड़ा सा थोड़ा माहौल वो हो जाएगा, थोड़ा सा। हाँ, एक गाना जो आपका सुपरहिट गाना नैनो की बात। नैनो की तो बात नैना जाने है, सपनों के रास्ते रहना जाने है, तू मेरा है सनम तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। ये सॉन्ग था, रिसेंटली अभी एक मूवी भी की है मैंने, बी ए पास 3, उसमें सारे सॉन्ग्स मेरे हैं। और Z5 की एक मूवी आई थी साइलेंस मनोज वाजपेयी से, तो उसमें मेरा म्यूजिक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे, लेकिन साथ में अभी नगमा के साथ बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह, बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस भी किए, तो बहुत जल्दी भाव के साथ मिलके भी बहुत एक करना है, प्लान है, हम डिस्कस भी करेंगे, सब आगे। तो बहुत कुछ ऐसे करने हैं, तो बस इंशाल्लाह सब चीज़ें हो जाएगी। राहुल आप बताइए क्या करने जाएंगे, कैसा फर्स्ट ऑफ ऑल टीम को ये स्टार्टअप के लिए? एक्चुअली मेरा सीन ऐसा है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मेरे बहुत एक्टिंग का शौक था, बहुत ज़्यादा नशे में आने का बहुत शौक था। तो धीरे धीरे इनसे फ्रेंडशिप हुई मेरी इवेंट के थ्रू, मैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया था इवेंट में, टीचर इवेंट में, तो मेरी फ्रेंडशिप हुई, इन्होंने मेरा काम देखा, थोड़ी एक्टिंग देखी मेरी इन्होंने, तो उन्होंने मेरे एक मूवी में काम दिया, सॉन्ग में काम दिया सर। तो धीरे 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 फ्रेंडशिप होते होते फिर इन्होंने ऐसे ही प्लान, जिस तरह से अल्ताफ भाई को उन्होंने फोन करके बताया, उस तरह से आइडिया मुझे ही बताया इन्होंने। तो फिर हमने फिर स्टार्ट किया इसका, उम्मीद प्रोडक्शन हाउस का स्टार्टअप किया, तो एज अ MD मैं इसमें जुड़ा हूँ, इस उम्मीद प्रोडक्शन में बस। और ये कहना चाहता हूँ कि आज का समय जो है, मतलब पता है कि कोरोना का चल रहा है अभी भी बहुत, तो एक बिजनेस शुरू करना, एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना, क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना आपको लगता है चुनौतीपूर्ण आगे होने वाला है? जिंदगी में चुनौतियाँ ना हो तो जिंदगी जीने का मजा क्या है, सब नीचे चल गया। और हमने उम्मीद को लॉन्च करने का टाइम यही रखा, जब सब सो गए तो हम जग गए, और मुझे लगा कि जब सब सो रहे हैं ये सबसे अच्छा मौका है, अपना दिमाग को चलाओ, उनको सोते रहने दो, हमें आगे बढ़ना है, सो यही है। बहुत ये जानना चाहूंगा, बिग बॉस में सलमान भाई के साथ काफी स्पॉट हुए था, राधिया, ये मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते, आपको देखने का मौका मिला, क्या करने जाएंगे? ट्रेलर भी देखा होगा आपने कभी? मेरे को सलमान ने ना बहुत इज्जत दिया बिग बॉस में, बहुत इज्जत दिया मेरे, सीधी मेरी बात ये होती है कि मेरे को इज्जत दो इज्जत मिलेगी, बस उसने मुझे वहाँ पे इज्जत दिया, वो दिल में अपने बहुत अच्छा है, मगर ये राधे मेरे को पसंद नहीं आया, एकदम बकवास है, ज़रा भी पसंद नहीं आया, एकदम बकवास पिक्चर है। मैं मेरा कभी ना 2-2.5 घंटा ऐसा मैं पुकट नहीं कहलाता पिक्चर के पीछे, पर मैं उसका इसके लिए देखा, मगर एकदम बकवास है, उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी काम किया है उसमें, क्या क्या कमी नजर आई? हाँ जी, अच्छा नहीं लगा, बस खत्म। अल्ताफ जी से ये भी जुड़े हुए, ये हमारी उम्मीद के इंट्रोडक्शन परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे नगमा जी के बारे में और उम्मीद प्रोडक्शन ऑफिसर नहीं दो अच्छा। अभी ये इंडस्ट्री में आया ना तो इनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वो हो गया। और क्या विजन? यही है कि हमारी टीम बन चुकी है उम्मीद, और खुशनसीबी है कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो खुद सेल्फ मेड लोग हैं वैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद से बहुत उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग इंटरव्यू लेने आओगे, उम्मीद यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा। यहाँ काहे के लिए? नहीं नहीं, टावर पे बेटा, चौथे माले पे बेटा, नहीं 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 यहाँ। और हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी, हर उन लोगों को जिसने इतने दिनों में आज का दिन पॉसिबल होने में साथ दिया, उन सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा,
निखिल अवस्थी, ये असिस्टेंट डायरेक्ट और सिनेमाटोग्राफर भी रह चुके हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे सीरियल्स उन्होंने कलर्स के लिए डायरेक्ट किए हैं, दोस्त भी है, इन्होंने भी काफ़ी साथ दिया, और सारे दोस्तों को भी थैंक यू, और सब माता पिताओं को भी थैंक यू जिनके आशीर्वाद के बिना बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम सब हैं आम इंसान, तो आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक आपके न्यूज चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता है, आज जितने भी ये शूटिंग बंद है उसके बाद जो वर्कर या हर कोई जो घर पे बैठा है ना, उनके खाने के वांदे हो गए। ये जितने बड़े बड़े है ना अपने महलों में बैठे, हाँ, जिन्होंने जिनको इन्होंने बनाया, आज उनको उनको राशन तक कोई नहीं पूछ रहा है, समझा? तो इन लोग जा रहे हैं मालवीस, इन लोग जा रहे हैं दुबई, इधर घूमने जा रहे हैं, मगर वो प्रोडक्शन हाउस में जो काम करते हैं ना उनके हाथ के नीचे कोई नहीं देख रहा, उनका खाने का वांदा है। महीने 2000 लोगों को महीने पूछा है राशन, समझा? इन लोग किधर है? तुम लोग बोलता है तुम महानायक किसान आंदोलन और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा महानायक को, महानायक क्या बोलता है? जिनके औकात नहीं वो मुझे सवाल करते हैं। क्या सवाल किया रे? हाँ, औकात निकालेगा 25-50 रुपया टिकट निकाल के, जब तुम्हारे को तुम्हारा पिक्चर देखा इसके लिए तुम महानायक बना, तुम उनकी उनकी औकात निकालेगा क्या? हाँ, लोगों की इनको चर्बी आया है इंडस्ट्री में, सबको इनको कदर नहीं है लोगों की, इनको कदर नहीं अपने फैंस की। क्या तुम लोग मैसेज देता है लोगों तक? हाँ, वो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाया था, क्या मैसेज दिया उसने वेब सीरीज में? कोई नहीं बोलता है उसके बारे में। फट्टी है क्या बोलने को? क्यों फट्टी है? मेरे काफ़ी ना इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर लोग हैं, मैं उनको बोला तुम लोग बोलो ना, बोलता है भाऊ हम अगर बोलेगा तो हमारे को काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, या ऐसे लोग है, ऐसे लोगों के बारे में तुम लोग भी बोलो, जाके पूछो इनके घर के बाहर कि क्या कर रहे तुम लोग ये, समझा? सिर्फ सवाल पूछने से अच्छा ना उनको भी सवाल पूछो। इनको छींक आती है ना तो पूछ जाते, मगर वो देखो प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले लोग जो आज भूखे मर रहे हैं ना, उनके भी घर पे जाके पूछो कितने लोगों का तो मेहनत का पगार नहीं दिया अभी तक इन लोग ने, ऐसा है तो जाके उधर भी पूछो। फिर चलो, इस बारे में तो सबसे पहले मैं नगमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चालू करने का उम्मीद, और बाकी राहुल के बारे में तो बचपन से उसको ये सब चीज़ में आने का शौक था, लेकिन हमने थोड़ा हम लोग का कैसे थोड़ा सा अलग थोड़ा सोचते हैं, हम लोग क्या बहुत गांव साइड के हैं तो थोड़ा उसके बारे में कम सोचते हैं, लेकिन अपने को लगा कि नहीं ये अगर इसका इसमें इंटरेस्ट है तो करना चाहिए ऐसा। तो हमको तो बताए हैं बाबू, पहले से बताया है कि मतलब हमको इन्होंने हम मतलब मम्मी हमको ये चाहते हैं, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी खुशी हुआ मतलब कि अच्छा है, और बचपन से इसको मतलब शौक था इस चीज़ का, तो आज इसको ऐसे देख के खुशी हो रही है। खुशी, हाँ खुशी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी मैं कि ये स्टार्ट करने के लिए, फिर सेकेंड ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिली है नगमा जी की तरफ से, सो आई होप कि मतलब ये इनका बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो एकदम। बट मेरे काम को देखते हुए इनका सपोर्ट मेरे लिए इतना ज्यादा हो गया कि मतलब इन्होंने डायरेक्ट मुझे इस उम्मीद का पार्ट बना दिया है, ऐसे डायरेक्ट MD बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया डायरेक्ट इन्होंने मुझे, तो बस इसलिए मुझे बहुत खुशी है, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब आज इस स्टेज पर हम खड़े हैं, ऐसा कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छा है इसको तुम नेक्स्ट लेवल तक ले जाए हम। एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं कि मैं और लोगों को नहीं जानती, बहुत मेरे दोस्त लोग हैं, बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सीनियर लोग भी हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा उम्मीद एक बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म है, लोग उम्मीद के बारे में सोचे भी तो लगना चाहिए यार, ये तो अपना ही है, अपने जैसा ही है, भले कहीं का मतलब
लोगों को ऐसा नहीं चाहिए होना चाहिए जैसे कि अरे यार इतना बड़ा प्रोडक्शन है हमारे लिए बहुत दूर की बात है. नहीं, उम्मीद सबके लिए एक आम प्रोडक्शन हाउस है. और राहुल के इवेंट में 2 साल मैं एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट गई थी तो मैंने वहाँ पे उनका मैनेजमेंट देखा था और एक आध दो भी दोस्त थे हमारे तो मैंने उनको बोला था कि मैं अगर फ्यूचर में कभी प्रोडक्शन हाउस खोलती हूँ तो आप जैसे लोगों की मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो इतने मेहनती हो. तो राहुल में मुझे वो चीज़ देखी मुझे और राहुल सच में बहुत ज़्यादा मेहनती है. जैसे कि अभी उम्मीद के टाइम पे भी लॉकडाउन था और वो रहते हैं भिवंडी साइड तो डेली उनका जो आना जाना वो सारी एफर्ट तो कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट के वजह से वो बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उसको वो शब्द नहीं आ रहा है मतलब चीज़ें ईजी हो गई मेरे लिए. और जैसे कि मेरी मम्मी बहुत दूर है तो आज मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रही हूँ. बट अंकल आंटी यहाँ पे आए तो ऐसा लग रहा है कि चलो यार किसी बड़े का आशीर्वाद है साया है. अदरवाइज होता ना किसी भी प्रोग्राम हो कोई भी फंक्शन हो जब तक वहाँ पे माँ बाप या बड़ों का आशीर्वाद नहीं रहता है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है. तो ये भी एक खुशकिस्मती है कि सबके आशीर्वाद के साथ हम लोग उम्मीद को आगे लेके जा रहे हैं और राहुल मैं और हमारी पूरी टीम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि उम्मीद को हम बहुत आगे तक लेके जाए. और हर इंसान के ज़िंदगी में उम्मीद का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहे. हाँ, और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मैं इनके इवेंट पे गई थी 2 साल सेलिब्रिटी गेस्ट बन के वहाँ पे एक बहुत अच्छा दोस्त था अभिषेक केडिया बोल के तो सब लोगों के बीच में ही ये क्या बोलते हैं प्लानिंग हुई थी कि मुझे राहुल और अभिषेक जैसे किसी यू नो जज्बेदार दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले अभिषेक केडिया हमारे बीच नहीं रहे वो चल बसे वो उनका डेथ हो गया. तो आप वो भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक दोस्त कम हो गया. लेकिन अभी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है वो चेयर की जिम्मेदारी हो या फिर अभी अभिषेक या राहुल को दोनों का जिम्मेदारी पूरा करना है और उम्मीद के लिए भी बहुत मेहनत करना है. ये इनिशियल स्टेज है हमारा तो हर चीज़ एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता है. तो हम सबको बोलते ना दिन रात एक करके अभी बस एक ही चीज़ हमें ध्यान पे रखना है कि कुछ भी करके हमें उम्मीद को आगे लेके जाना है और हर आम इंसान के मुंह में दिल में उम्मीद की किरण जगाना है. तो यही एफर्ट रहेगी और सबको मेरे तरफ से शुक्रिया अदा कि सब लोग यहाँ पे आए और हमारा इतना साथ दिया. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.